नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। राजधानी के बिलरेया इलाके में हाईवे पर गुंडागर्दी हुई। बाप बेटे ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा और सड़क पर घसीटा। एक आरोपी ने एएसआई के हाथ पर दांत से भी काट लिया। सिपाही का गला दबाकर भाग निकला। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सामने आया है। पुलिस के अनुसार दिनेश कुमार ठाकुर का अमृत रावत से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। सोमवार शाम अमृत और उसके बेटे नरेंद्र शैलेंद्र ने मिलकर दिनेश से बाईपास चौराहे पर मारपीट की, बका से मारकर जान लेने की कोशिश की। मिलखीरिया थाने से एएसआई राजेश उइके और सिपाही अरुण मेहरा मौके पर पहुंचे। वहीं तीनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले गए। इसी दौरान नरेंद्र ने भागने का प्रयास करते हुए एएसआई के हाथ पर दांत से काट लिया। सिपाही का गला दबाया और धक्का देकर भाग निकला। पुलिस ने अमृत और शैलेंद्र को हिरासत में लिया है। वहीं दिनेश को गंभीर चोटें आई हैं, उसे कई जगह पर फ्रैक्चर हुए हैं। पुलिस ने अमृत की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में एफआईआर की है। वहीं हाईवे से गुजर रहे कार चालक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। टीआई राम बाबू चौधरी ने कहा कि उन्होंने अब तक वीडियो नहीं देखा है, इसकी जाँच करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।